बम बम भोले, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। जी हाँ, चारों ओर आपको यही जयकारे सुनाई देंगे। अवसर है शिवरात्रि का। जी हाँ, इस समय हम मौजूद हैं बादली गांव के ऐतिहासिक शिव मंदिर में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं मंदिर की भव्य अलौकिकता। जी हाँ, ये वो मंदिर है जो इस समय गांव के बिल्कुल पास में स्थित है, और इस मंदिर में हर साल शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव भगत कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविर लगाया जाता है। अभी आपको रूबरू कराएंगे शिव मंदिर कमेटी के तमाम सदस्य, गाँव के गणमान्य जन हमारे साथ हैं जो हर वर्ष इस भव्य आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कावड़ियों की यहाँ सेवा की जाती है, मंदिर में शिविर लगाया जाता है। जी राम राम। राम राम जी। क्या नाम है आपका? राजपाल। राजपाल जी, इस बार भी आपने बहुत भव्य आयोजन किया है, क्या कहेंगे? हर साल ऐसे करते हैं, ठीक कहेंगे जी। हाँ। और सारी मंदिर कमेटी और गाँव के सहयोग से यह कार्यक्रम किया जाता है? सारे गाँव के सहयोग से जी। बाबूजी, बड़ा पुराना प्राचीन मंदिर है और आज लगभग सारा गांव और महिलाएं पुरुष यहां मौजूद है, शिव भगत कांवड़िए आए हैं, क्या कहेंगे मंदिर के बारे में, कैसा प्रोग्राम है? मंदिर के बारे में प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है, गांव की तरफ से, पूरे गांव के सहयोग से ये काम हो रहा है जी। और आपकी क्या राय है, कैसा लग रहा है? बम बम भोले। बम बम भोले जी। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। ऐसा जी, हमारे गाँव का परम्परा हो रही थी काफी दिनों से, और हमारा प्रोग्राम बिल्कुल बढ़िया प्रोग्राम चलता है, हर साल ये प्रोग्राम करते हैं जी। मैं पूरे गांव, पूरी कमेटी के हिसाब से, पूरे गांव के हिसाब से करते हैं जी। हाँ, जय शिव शंकर। जय शिव शंकर जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के, बड़ा भव्य आयोजन है, कितनी मेहनत की है? बहुत मेहनत, गांव का बहुत सहयोग मिला है, बहुत मेहनत की है, हमारे जो सारी कमेटी है, गांव के सेवक हैं सब ने, और ये हर साल हमारा प्रोग्राम गांव के सहयोग से होता है, बहुत बढ़िया। बम बम भोले। जय शिव शंकर। बाबूजी, बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, काफी संख्या में माताएं बहनें भी यहां पहुंची हुई है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारे साथ विजयपाल हैं, काला प्रधान, पूर्व सरपंच है, जानना चाहेंगे प्रधान जी, बड़ा भव्य आयोजन है मंदिर में, क्या कहना चाहेंगे? संजय भाई, देख लो आप, माता और बहने, इतनी श्रद्धा है, सारे बंदे, जन सैलाब, और इतनी बड़ी हमारी जो कावड़ आई है जी, बहुत भव्य कावड़ है, अलौकिक कावड़ है, झांकियां झांकियां भी आई कावड़ के साथ। हाँ, झांकियां कावड़ के साथ आई है, आपने भी देखी होंगी और गांव ने तो। राजेश भाई, कावड़ लेके आए हैं? नहीं जी, सेवा काम, सेवक कर रहे हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई साल हो गए, हम चाहते हैं अब इससे भी ज़्यादा और बढ़िया प्रोग्राम हो और हर साल हमें सेवा करने का मौका मिले। जी हाँ, यही शिव की शक्ति है, यही शिव की महिमा है। आपने देखा, ये बादली गांव के तमाम गणमान्य जन हैं, इस शिव मंदिर समिति कमेटी के सदस्य हैं जिन्होंने ये भव्य आयोजन किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय भव्य डांस का कार्यक्रम है, और हमारे साथ बोड़ा है, सोनू बोड़ा। जी हाँ, सोनू बोड़ा है। बम बम भोले। जय बोलेगी। अच्छा, बहुत अच्छी कावड़ आप लेके आए हैं हरिद्वार से, कितनी कितनी दिक्कतें आई? कोई नहीं जी, बिल्कुल अच्छी तरह आए हैं। भोले बाबा का आशीर्वाद रहा? बिल्कुल, पूरा आशीर्वाद है, सभी भाई अच्छी तरह आए हैं, कोई चोट वगैरह नहीं, कोई फल वगैरह नहीं। अच्छा, इस बार ये आइडिया कहाँ से आया, इतनी भव्य जो आप ये भोले की पूरी प्रतिमा और पूरा इतनी बड़ी कावड़ लेके आए, कहाँ से आइडिया आया? ये हमारे बड़ों का और भोलेनाथ का सौभाग्य है जो हमें ये मौका मिला, और हमारे बड़े हैं जो उन्होंने हमें गाइड किया और हम अपनी कावड़ ले गए जी। और देखिए, भोले जोश में है और ये चाहते हैं कि जिस प्रकार यहाँ गांव में कावड़ आई है, जी हाँ, कावड़ का बड़ा महत्व आप देख सकते हैं, तमाम हमारी माताएं बहनें इसमें मौजूद हैं, और भव्य यहाँ झांकियों का आयोजन भी किया जा रहा है जिसमें भोला और पार्वती दोनों यहाँ भक्ति संगीत में डूबे हुए हैं, और आप देख सकते हैं बड़ा भव्य नज़ारा इस समय, यहाँ तमाम जो गांव के लोग मौजूद हैं, तमाम यहाँ पर हमारी माताएं बहनें मौजूद हैं। हम बात करना चाहेंगे, माताओं बहनों से भी बात करेंगे जी। और हमारे साथ रेखा गुलिया है, बादली कॉलेज की प्रधान है। रेखा, बड़ा भव्य आयोजन है, हिंदू संस्कृति में शिवरात्रि का बड़ा महत्व है, इस दिन हरिद्वार से पवित्र जल धारण करके कांवड़िया यहाँ पहुँचते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस शिवरात्रि के अवसर पर, आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले सभी को हैप्पी शिवरात्रि, और मैं यही कहना चाहूँगी, हमारे गाँव में शिवरात्रि को लेकर बहुत ही अच्छा आयोजन किया जाता है, जिसमें कमेटी का और स्पेशली कांवड़ियों का विशेष योगदान है, जो ऐसी भव्य कांवड़ लेके आए। अच्छा, बड़ी संख्या में महिला भी आई हुई है, बड़ी माताएं बहने भी आई हुई है, क्या लगता है आपको, जो शिव का पर्व है, सब हंसी खुशी के साथ मना रहे हैं? हाँ, सभी खुश है सर, सभी हंसी खुशी के साथ आए, और इतनी भीड़ का इकट्ठा होना भी इस बात का सबूत है कि सभी खुश है और सभी एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, त्योहार हमारी परंपरा है, त्योहार हमारी
समर्थ शक्ति का उदाहरण है। जी हाँ, माताएं बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो इन कावड़ियों की सेवा के लिए आए हैं। बड़ा भव्य कार्यक्रम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय शिव की महिमा का गुणगान किया जा रहा है, शिव पार्वती को। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कितने दिन से आते हो आप मंदिर में, कितने साल से आ रहे हो? मैं तो जी बहुत 20 साल हो गए मैंने तो। अच्छा जी, कभी आपने जैसे हरिद्वार गए हो? हाँ जी, हरिद्वार गए हो आप। अच्छा, कैसा लगता है बोले का ये डांस और ये जो आयोजन देखकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, हर साल हो रहा है ये। हर साल हो रहा है। जी जी जी। बेटे आपका क्या नाम है? पूजा। पूजा, आपको कैसा लग रहा है ये आयोजन देखकर? आप पहली बार आए हैं, पहले भी कभी आए हैं? आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप हरिद्वार गए हैं कभी? नहीं, हरिद्वार नहीं गए हैं। जी, अब देख सकते हैं तमाम हमारी माताएं बहनें यहाँ पर मौजूद हैं और यह जो पर्व है, ऐतिहासिक पर्व है, इस समय हम बादली के भव्य ऐतिहासिक शिव मंदिर में खड़े हुए हैं, जहाँ तमाम हमारे कावड़िया जो कावड़ लेकर के आए हैं, वो यहाँ पर आधी रात के बाद अपना जल यहाँ पर चढ़ाएंगे, अपनी मनोकामना जो शिव से उनकी मनोकामना है उनकी पूर्ण करने की आस के साथ कावड़िया हजारों मील पैदल चल करके अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं शिव मंदिर पर। आइए एक बार आपको फिर लिए चलते हैं बादली के शिव मंदिर धाम में। जी हाँ, बादली का ये पवित्र शिव मंदिर धाम है जहाँ पर कावड़िया जल चढ़ाते हैं, जल अर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने की उम्मीद करते हैं। जी हाँ, बादली का ऐतिहासिक यह मंदिर आप देख सकते हैं, इस समय यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, बच्चे बूढ़े, इसमें बच्चे बूढ़े से लेकर के तमाम जितने भी गांव के लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, शिव भक्त हैं, वो इस मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर आधी रात तक भोले की महिमा का गुणगान होगा। जी हाँ, यहाँ पर लगातार आधी रात तक भोले की महिमा का गुणगान होगा और निर्धारित समय पर यहाँ पर जल चढ़ाया जाएगा भोले के इस मंदिर में। जी हाँ, बादली का ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है, वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है, कावड़िया जो जल धारण करके पहुँचते हैं और यहाँ पर जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि की कामनाओं के साथ लगातार कावड़ियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और यही हमारी हिंदू एकता का, संस्कृति का प्रतीक है। जी हाँ, कुछ और लोगों से हम जुड़ना चाहेंगे, बात करेंगे, तमाम जो गणमान्य लोग यहां पर मौजूद हैं गांव के, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। जो आस्था का पर्व है, जी हां, शिवरात्रि भोले की महिमा के गुणगान का पर्व है, धार्मिक आस्था है, सहिष्णुता है। जी, इस तरह के आयोजन जो हैं वो समाज में भाईचारे का महत्व बढ़ाते हैं, संदेश भी देते हैं। जी हां जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब। अच्छा, बड़ा भव्य आयोजन है और इस बार भी आपने बड़ी सुंदर झांकी, यहाँ भोले और पार्वती की जो झांकी निकाली गई है, क्या कहेंगे इस तमाम आयोजन को लेकर? भाई साहब, ये सब ग्राम वालों का वो है, अपने मनोरंजन के लिए अपना चंदा करते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं सब जी। और इसमें भक्ति भावना और श्रद्धा भी जुड़ी हुई है। ये तो है ही, भक्ति भावना और श्रद्धा के ऊपर तो ये सारा प्रोग्राम चलता है भाई साहब जी। और देखिए, कावड़िया जो बादली गांव में कई जगह इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इस तरह का जो भव्य आयोजन है, ये तमाम समिति के सहयोग से और गाँववासियों के सहयोग से किया जा रहा है? ये बिल्कुल पूरे गाँव के और समिति के सहयोग से हो रहा है और जो कावड़िया है वो अपनी जेब से ज्यादा कर रहे हैं, अपनी जेब से खर्चा, लाखों रुपए का खर्चा करके ये कावड़ लेके आते हैं। अच्छा, ये आयोजन कब तक चलेगा? ये आज सुबह 4 बजे तक चलेगा जी। जी, और ये जो जल चढ़ाते, जल अर्पित करते हैं, उसका कोई समय निर्धारित होता है? नहीं, समय कोई निर्धारित नहीं है। जो ये डाक कावड़ आएंगी, ये तो 12 बज के 1 मिनट से चढ़नी शुरू है, जो जैसे आएगी वैसे। और इस ये जो झूला कावड़ वगैरह, ये सुबह हम हवन करा के वाकद्या विधि विधान से चढ़ाए। विधि विधान सब जी। जी हाँ, देखिए, श्रद्धा भक्ति का पर्व होता है शिवरात्रि। जी हाँ, बैकुंठ झूला और खड़ी कावड़ लेकर के मीलों पैदल चल के अपने आप को एक तरह से तप करके कावड़िया जल धारण करके यहाँ पहुँचते हैं। भाऊ जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया चल रहा है जी। जी हाँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम सर जी। और इस समय आप देख सकते हैं तमाम जो लोग बैठे हुए हैं, तमाम श्रद्धालु हैं यहाँ पहुँचते हैं। आइए आपको एक झलक दिखाते हैं इस भव्य आयोजन की, जहाँ शिव पार्वती की महिमा का गुणगान किया जा रहा है। जी हाँ, इस समय आइए हम आपको लिए चलते हैं मंदिर प्रांगण की ओर, जहाँ पर आप देखेंगे शिव पार्वती की यहाँ पर झलकियाँ हैं, डांस किया जा रहा है, भजन कीर्तन के माध्यम से यहाँ पर इस समय बादली गांव के ऐतिहासिक प्राचीन शिव मंदिर में यह जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, शिव भगत कावड़ियों जो आज यहाँ पहुँचे हैं अपने गंतव्य स्थल तक, उनके मनोरंजन के लिए भजन कीर्तन का कार्यक्रम यहाँ किया गया है। भोला और पार्वती का यह जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, यह कार्यक्रम श्रद्धा भक्ति से जुड़ा हुआ है, लाखों लोगों की श्रद्धालु है, लाखों कावड़ हरिद्वार की हर की पवित्र पौड़ी से उठती हैं, गंगोत्री से, गौमुखी से, जो कावड़िया श्रद्धा के साथ जल लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं, वो यहाँ भक्ति भाव श्रद्धा समर्पण के साथ अपना जल अर्पण करते हैं।